वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ जैप बाइट। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको crypto.com एक्सचेंज, जो कि एक इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसमें अकाउंट करने का आसान तरीका बताऊंगा। और इस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इसमें 250 से ज्यादा क्रिप्टो में एक्सचेंज या कि ट्रेडिंग कर सकते हो, साथ ही साथ आप NFT भी क्रिएट कर सकते हो। ये कंपनी एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, जो कि 2016 में फाउंड की गई थी। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन की ओर ले चलता हूं, और आप एंड्रॉयड और एप्पल यूजर दोनों इसको आसानी से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैं आपको स्मार्टफोन में बताऊंगा, इसको अकाउंट क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है, KYC करने में कितना समय लगता है, KYC कब तक अप्रूव होता है, और इसमें NFT कैसे क्रिएट की जाती है, सारा डिटेल मैं बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने स्मार्टफोन में आ गया हूँ और प्ले स्टोर में चला जाऊंगा। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है crypto.com। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा crypto.com। तो ये जो पहला वाला आप लिंक देख रहे हो crypto.com, इसकी 3.7 की स्टार रेटिंग है, 93 MB की फाइल्स है, और ये 10 मिलियन प्लस डाउनलोड इसके हो चुके हैं। ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, जो कि 2016 में फाउंड की गई थी, और ये इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज, जो कि 13वें नंबर रैंक पे आता है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो crypto.com का एप्लीकेशन मेरे स्मार्टफोन में डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम crypto.com का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, ये इसका लोगो है। अब बस आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इनवाइटेड, अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो यहाँ पे दे सकते हो। आप चाहो तो मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट और लॉग इन इंटू एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो आपके पास मतलब अभी आपने फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट न्यू अकाउंट पे। तो यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देनी है, तो आप अपने कोई भी ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दो। जब मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे इंटेलिजेंट वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया है, और यहाँ पे मेरे ईमेल पे एक कंफर्मेशन लिंक आ जाएगा, तो उसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे crypto.com की ओर से मेरे इनबॉक्स में एक वेरिफिकेशन मेल आ गया है, तो मैं उसको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, यू हैव रजिस्टर्ड द crypto.com अकाउंट, टैप द लिंक बिलो ऑन योर फोन टू कंप्लीट द साइन अप फॉलो। तो यहाँ पे लॉन्च crypto.com ऐप पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसका एक मेटल वीजा कार्ड भी अवेलेबल, आप चाहो तो इसको अवेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन ऑन प्राइवेसी नोटिस को एक्सेप्ट कर लेना है, इसको टिक करके और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो, यहाँ पे कंट्री कोड ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप इस पर टैप करके आप अपना कंट्री चूज कर सकते हो, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चूज कर लूँगा इंडिया, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और उसके बाद मोबाइल नंबर पे भी वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भी कंफर्म हो चुका है, अब टैप एनीवेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका KYC प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग, जो कि एक
ये सेंट्रलाइज वॉलेट है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट नहीं है, इसलिए आपको इसमें केवाईसी करनी जरूरी है। अब इसमें केवाईसी कैसे की जाती है, अगर आप एक इंडियन यूजर हो तो आपको यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे लीगल नेम, आईडी में आप दे सकते हो आधार या पैन, और एक सेल्फी लेना है। अगर आप अदर देन दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हो तो आप अपना कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या कंट्री का जो भी डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट, उसको अपलोड कर सकते हो। तो चलिए इस प्रोसेस को मैं कंप्लीट करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपना नाम दे दूँगा, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम मेरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी नाम है मैंने वहाँ दे दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, उसके बाद आपको यहाँ परमिशन अलाउ कर देना है, क्योंकि ये पिक्चर्स और वीडियो को रिकॉर्ड करेगा, यहाँ पर परमिशन को मैंने अलाउ कर दिया। सिक्योरिटी रीजन के चलते crypto.com कुछ पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर दिया और यहाँ पे स्क्रीन ब्लैंक हो चुका है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली अपलोड हो गया। यहाँ पे कह रहा है वी विल नोटिफाई यू वंस योर वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, तो मैं आपको बता दूंगा कि वेरिफिकेशन प्रोसेस कितना समय लगता है। अगर आपने सब सही अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन पेंडिंग कह रहा है, वेरिफिकेशन होने में लगभग 24 घंटे तक का समय लगता है, तो डिपेंड करता है आपका वेरिफिकेशन कब तक होगा, ठीक है। सो फ्रेंड, crypto.com वॉलेट में मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है और मेरी KYC भी फटाफट हो गई है। यहाँ पे मैंने KYC के रूप में पैन कार्ड दिया था, आधार कार्ड मैं पहले दे रहा था तो आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे आप 6 डिजिट का पिन सेटअप कर सकते हो, साथ ही साथ इसमें 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी दे सकते हो और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी दे सकते हो। ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाई देगा, यहाँ पे होम, नीचे अकाउंट्स या एक बटन दिया हुआ है, ट्रैक और कार्ड। तो यहाँ पे रेफर एंड गेट $25 कह रहा है, अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको $25 आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किसी को रेफर नहीं किया है, आप चाहो तो मेरे रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा $25। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप इसमें NFT कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे मिंट कर सकते हो और कैसे सेल कर सकते हो, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद।